हेलो फ्रेंड्स, मैं स्टडी 91 चैनल से नितिन गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं फिर से आपके लिए कुछ स्पेशल क्वेश्चन लेके आया हूं जो कि आपके अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, इन 50 क्वेश्चन को पढ़ाने के बाद मैं आपको अगले टॉपिक में क्या पढ़ाने वाला हूं तो मैं आपको बता दूँ, मैं जलवायु से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं, पहले मैं आपको एक लेक्चर दूंगा जलवायु के बारे में, उसके बाद जलवायु से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं उनको हम लोग कल डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, बता दे रहा हूँ कि जलवायु से संबंधित अक्सर प्रश्न आप लोग गलत करते हैं, तो कल के बाद अब ये प्रश्न गलत नहीं हो पाएंगे। फिलहाल कुछ जलवायु के प्रश्न यहाँ भी शामिल किए गए हैं। आइए बात शुरू करते हैं और कुल 50 प्रश्न हैं, फटाफट इसको कवर करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यह प्रश्न आपका साथ जरूर देंगे। तो पहला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा को शेयर करता है। तो मध्य प्रदेश दोस्तों 5 राज्यों के साथ अपनी सीमा को शेयर करता है। अगर मध्य प्रदेश के बारे में आपको बताऊँ तो अगर ये MP है मान लो, तो उत्तरी भाग में सबसे ऊपर आपकी UP है, पता होगा आपको, इस साइड छत्तीसगढ़ भाई उससे निकाला गया था, उसी से अलग हुआ था। ऊपर के साइड देखोगे तो इधर आपका राजस्थान है, और नीचे के साइड देखोगे इस साइड कोने पर तो ये गुजरात यहाँ पे टच होता है, और एकदम नीचे देखोगे तो यहाँ पे महाराष्ट्र। इस तरह से कुल 5 राज्य हो गए जो मध्य प्रदेश की सीमा से लगे हुए हैं। अब मैं पूछूं दोस्तों कि मध्य प्रदेश की सीमा से सबसे लंबी सीमा किसके साथ बनाता है, तो याद रखिए उत्तर प्रदेश के साथ बनाता है। मध्य प्रदेश के कुल 10 ज़िले हैं जो उत्तर प्रदेश से लगे हैं। कुल कितने ज़िले दोस्तों? कुल 10 ज़िले। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखो दोस्तों, कर्क रेखा जो गुजरती है वो मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। अगर आपके एग्जाम में ये पूछे कि मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर ये रेखा गुजरती है, तो याद रखिए मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। थोड़ा सा एंटिक प्रश्न है, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा मैं कहूँ आपसे दोस्तों कि MP की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, MP की, तो बताइए धूपगढ़। कौन सी चोटी है? धूपगढ़। किस पर्वत पर है दोस्तों? पंचमढ़ी के पास महादेव पर्वत पर। महादेव पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है महादेव पर्वत की, पंचमढ़ी के पास पड़ता है धूपगढ़। कितनी ऊँचाई है? तो 1350 मीटर। 1350 मीटर, कोई दिक्कत? और अगर मैं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य पूछूं तो पहले नंबर पे राजस्थान आता है, और दूसरे नंबर पे कौन सा आता है? आपका यही मध्य प्रदेश आता है। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न आप याद रखो इससे संबंधित, हो सकता है कभी एग्जाम में ये भी पूछ दे आपसे। अगला है, कौन सा राज्य फूलों की खेती में शीर्ष स्थान रखता है? तो याद रखो दोस्तों तमिलनाडु। फूलों की खेती में तमिलनाडु आगे है। तमिलनाडु के अलावा दोस्तों नीचे के जो और भी प्रदेश हैं, जैसे आपका महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हो गया, यहाँ पर भी फूलों की खेती की जा रही है। एक क्वेश्चन और याद रखें दोस्तों, फूलों की घाटी किसे कहते हैं? तो फूलों की घाटी कहा जाता है दोस्तों चामोली को। किसको कहा जाता है? चामोली को। और चामोली कहाँ पर है? तो यह उत्तराखंड में है। चामोली कहाँ पर है? उत्तराखंड में। चामोली को एक यहाँ पे पौराणिक कथा भी फेमस है दोस्तों, कहा जाता है कि जब लक्ष्मण को मूर्छित हुए थे और राम जी ने हनुमान जी से विनम्र निवेदन किया था जो है संजीवनी बूटी लाने के लिए, तो वो संजीवनी बूटी कहाँ से आई थी? इसी चामोली नामक स्थान से आई थी जहाँ पर ये फूलों की खेती होती है। ये सब याद रखे, ठीक है। परियों का देश भी किसे कहा जाता है दोस्तों? परियों। आज भी कहा जाता है कि यहाँ पे कुछ पर्वत श्रृंखला ऐसी है जहाँ पर परियाँ होती हैं, तो याद रखिए कौन सी जगह है? उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड याद रहेगा आपको। चलिए आगे देखते हैं, जो क्षेत्र सबसे पुरानी चट्टानों से संबंधित है भारत में, उस क्षेत्र का नाम आपको बताना है, तो याद रखिए अरावली पर्वत श्रृंखला। दोस्तों अमेरिका में आपने अप्लेसियन पर्वत शिखर के बारे में सुना होगा, पर्वत श्रृंखला के बारे में सुना होगा, यह उसी से मैच खाता है। ठीक है, जितनी पुरानी वह श्रृंखला है उतनी पुरानी अरावली पर्वत श्रृंखला को भी माना जाता है, या आप ऐसे कह सकते हो कि विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है आपका कौन सा? ये अरावली पर्वत श्रृंखला। दोस्तों इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, उसका नाम क्या है? तो गुरु शिखर। सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? गुरु शिखर। कहाँ पड़ता है ये? तो माउंट आबू। जगह का नाम है दोस्तों माउंट आबू, ठीक है, माउंट आबू में एक गुरु शिखर है, माउंट आबू, ठीक है। यहीं पर जैन धर्म का एक प्रसिद्ध मंदिर है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर, कोई दिक्कत आपको? दिलवाड़ा का जैन मंदिर, ठीक है। और अगर अरावली पर्वत की बात करूं तो दोस्तों याद रखिए अरावली पर्वत जो है इसकी ऊंचाई, सॉरी इसकी यह कहाँ कहाँ से लेकर कहाँ तक जाती है, तो यह राजस्थान ही नहीं दोस्तों, नीचे गुजरात में भी इसके हिस्से फैले हुए हैं, क्योंकि एक पर्वत श्रृंखला है, तो राजस्थान के साथ साथ नीचे तक जाएगी, ये गुजरात तक जाएगी, इधर आपका ऊपर हरियाणा दिल्ली ये सब रहेगा क्षेत्र, और आपका इसके अलावा पंजाब जो कि पाकिस्तान में, और सिंध, वहाँ तक इसकी पर्वत श्रृंखलाएँ फैली हुई है। जो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया गुरु शिखर के बारे में, इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 1727 मीटर तक इसकी ऊंचाई है। तो ये सारे प्रश्न आप याद रखो। अगला है,
जो नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से उभर रही है उस नदी का नाम बताइए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो है कुछ अजीब ढंग से लिखे हुए, तो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, आप उसके माध्यम से समझते चलो, ठीक है। तो मध्य प्रदेश से कौन सी नदी निकली है जो अमरकंटक पठार से निकली है, तो आपको बताना है उस नदी का नाम है दोस्तों नर्मदा नदी। उस नदी का नाम क्या है? नर्मदा नदी, ठीक है। अच्छा, नर्मदा नदी का एक और नाम है दोस्तों जो आपको नहीं पता होगा, रेवा नदी। तो अगर कभी एग्जाम में आपसे पूछ दे कि रेवा नदी किसका नाम है, तो आप क्या बताओगे? नर्मदा का, ठीक है। दोस्तों मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी किस नदी को कहा जाता है? तो आपके नर्मदा नदी को ही कहा जाता है, ठीक है। कहाँ कहाँ बहती है? तो मध्य प्रदेश से निकलती है, फिर कहाँ पहुँच जाती है पता है? ये महाराष्ट्र से बॉर्डर बनाते हुए गुजरात तक जाती है, ठीक है। ये सारा प्रश्न आप याद रखिए। अच्छा, मतलब महाराष्ट्र बॉर्डर नहीं, गुजरात से होते हुए महाराष्ट्र कहेगी, क्योंकि वो खंभात की खाड़ी में जाके गिरेगी नीचे, ठीक है। तो वहाँ पे याद रखिए। इसके अलावा दोस्तों इसकी कुछ सहायक नदियाँ हैं, आप उनके बारे में जान लो, क्योंकि मुझे पता है आप नहीं पढ़ोगे। तो इसके बाएं बाएं मतलब इधर, क्यों? क्योंकि यही एक नदी है जो उल्टी दिशा में बहती है, तो इसका बायां इधर होगा और दाहिना इधर होगा। तो बाएं तरफ से कौन कौन सी नदी मिलती है? तो याद रखिए बंजर नदी। ऐसा अजीब अजीब नाम आपको बताऊंगा ना कि आपको लगेगा यार ऐसी नदियाँ भी हो सकती का। अब आपसे कभी पूछे कि बंजर नदी, तो आधे लोग तो कन्फ्यूज जाएंगे कि लगता है कुछ मिसप्रिंट दिया हुआ है। बंजर नदी तो पहली बार सुन रहे हैं। मैं आपसे बोलूं शेर नदी हैं, मैं आपसे बोलूं शक्कर नदी, क्या सुन रहे हैं सर, कहाँ से आ गई ये सब नदियाँ? तो ये सब छोटी छोटी नदियाँ हैं, बंजर नदी, शेर नदी, शक्कर नदी, दूधी नदी, तवा नदी। तवा तो सुने होंगे, तवा नदी, ठीक है। बेतवा तवा, तवा दूसरा है, बेतवा दूसरा है, ठीक है। गंजाल नदी, देव नदी, कुंदी नदी, गोई नदी, ये सब कौन सी नदियाँ? ये सब नदियाँ जो है बाएं हाथ से कहाँ मिलती हैं? बाएं तरफ से नर्मदा में मिलती हैं। दाहिने तरफ की नदी बता दूँ तो बाएं पे शेर था, दाहिने पे हिरन नदी, तिंदोली नदी, तिंदोली नदी, दोस्तों सुनते जाओ खाली, बरना नदी, बरना, ठीक है। इसके अलावा मान नदी, हथनी नदी, हथनी, ठीक है। ये सब नदी जो है ये आपके दाएं तरफ से मिलती हैं, ठीक है। किसकी सहायक नदियाँ हैं सब? तो ये सब नर्मदा की सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। नर्मदा जो है अमरकंटक से निकलती है, जबलपुर होते हुए, जबलपुर में हाईकोर्ट है दोस्तों मध्य प्रदेश का, जबलपुर होते हुए, होशंगाबाद होते हुए, झाबुआ, बड़ोदरा, बड़ोदरा कहाँ पड़ेगा आपका? गुजरात में, बड़ोदरा, भरूच, सब गुजरात का है, वहाँ तक जाती है, ठीक है। यहीं जबलपुर के पास दोस्तों भेड़ाघाट जलप्रपात है, ठीक है। भेड़ाघाट जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात भी यहीं है। तो खंभात की खाड़ी में अंततः जाके गिर जाती है। याद रखिए डेल्टा नहीं बनाती है, यह एस्चुरी का निर्माण करती है। क्या बनाती है? एस्चुरी बोल सकते हो, हिंदी में बोलोगे तो बोलोगे ज्वार नदमुख। क्या बनाती है? ज्वार नदमुख। ज्वार नदमुख माने होता क्या है? जैसे देखिए यहाँ पे पानी था और यहाँ पे इजली कोई नदी आके मिल गई, तो ये तरीका होता है। एक होता है कि नहीं, पानी यहाँ पर है और इस तरह से नदी को कहीं गिरना पड़ रहा है, ये ज्वार नदमुख होता है। तो मैं आपको कहानी बताऊँगा आगे, तो आप समझ जाइएगा। आगे चलिए। अच्छा, नर्मदा एक है दोस्तों, ये किधर से किधर बहती है? तो याद रखिए पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। कहाँ से? पूर्व से, पूर्व से पश्चिम, ठीक है, इधर की तरफ बहेगी, पूर्व से पश्चिम। इसके अलावा ताप्ती नदी है जो पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती है। इसके अलावा और कौन सी नदी दोस्तों? तो ताप्ती के अलावा दोस्तों पेरियार नदी है जो पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती है। ये सारे प्रश्न आप याद रखो, ओके। आगे है गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, मसूरी, ये सब किस राज्य में स्थित हैं? तो याद रखिए ये सब उत्तराखंड राज्य में स्थित हैं। कहाँ पर? उत्तराखंड। हिमालय लगभग कितने किलोमीटर में फैला हुआ है? तो 2500 किलोमीटर का जो है हिमालय की लंबाई है, 2500 किलोमीटर, ठीक है, 2500 किलोमीटर। दोस्तों भारत ही नहीं, भारत के आगे म्यांमार तक इसकी श्रृंखलाएँ जाती है, म्यांमार तक इसकी श्रृंखला जाएगी। कौन सा देशांतर रेखा निर्धारित करता है, वो भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? तो 82.5 डिग्री की दोस्तों जो पूर्वी देशांतर रेखा है वो हमारी मानक समय रेखा है, पूर्वी देशांतर रेखा, ठीक है। मैं पढ़ाऊँ आपको इसलिए आपको याद होगा। आगे देखिए, जो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है वो क्या? आपकी अरावली, तो राजस्थान में, मैंने आपको पढ़ा दिया। आगे देखिए, छोटे और सीमांत किसानों के लिए जो योजना शुरू की गई थी सिंचाई की सुविधा के लिए, उस योजना का नाम क्या था? तो गंगा कल्याण योजना। थोड़ा सा बताता हूँ दोस्तों गंगा कल्याण योजना के बारे में। 1997 में दोस्तों स्टार्ट किया गया था गंगा कल्याण योजना को, किस लिए? जो छोटे किसान थे और जो सीमांत किसान थे इनके लिए, यानी जिसके पास 2.5 एकड़ से कम हो या 2.5 एकड़ से ज़्यादा की खेती हो, उनके लिए सिंचाई सुविधाओं के लिए स्पेशली गंगा कल्याण योजना शुरू किया गया था, ठीक है, 1 फरवरी 1997 को। ये नवीं पंचवर्षीय योजना जो हमारी चल रही थी, नवीं पंचवर्षीय योजना जो चल रही थी उसका एक हिस्सा था। 1997 से लेकर 2002 तक आपकी नवीं पंचवर्षीय योजना चली, याद है ना आपको, ठीक है, तो ये उसी का एक हिस्सा था। हालांकि कुछ समय बाद जो इसको बंद कर दिया गया। आगे देखिए, भारत में खेती के लिए उपयुक्त कारक
क्या है? तो सबसे ज़रूरी चीज़ जो खेती के लिए वो है सिंचाई, यानी पानी की आपूर्ति। ठीक है, पानी की आपूर्ति होनी चाहिए, उसकी कमी नहीं होनी चाहिए, सबसे ज़रूरी है। किस राज्य को भारत में काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कहा जाता है? तो दोस्तों केरल, केरल जो है काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। कोई दिक्कत आपको, याद रखिएगा काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? केरल। ठीक है, कई बार कर्नाटक ने रिकॉर्ड तोड़ा है, लेकिन अभी भी प्रेजेंट टाइम पे कौन है? केरल। ठीक है, झूम खेती जो जो राज्य में अभ्यास किए जा रहे हैं या प्रयोग किया जा रहे हैं, ये कहाँ पर हैं? तो याद रखो पूर्वोत्तर भारत के लोग झूम खेती करते हैं। कहाँ पर? पूर्वोत्तर, मतलब आप असम से आगे निकलोगे तो उधर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, यहाँ पर झूम खेती होती है। और उसमें भी सबसे ज़्यादा झूम खेती कहाँ होती है? तो नागालैंड में। झूम खेती होती क्या है? तो देखो दोस्तों, जंगलों में या पर्वतों पर जो वृक्ष हैं, इनको सबसे पहले यहाँ से काट दिया जाता है, जंगलों को खाली किया जाता है, वहाँ पर खेती किया जाता है, काट कर उनको जला दिया जाता है ताकि उनके अवशेष से ये मिट्टी में उपजाऊपन बना रहे। ठीक है, इसके बाद इस स्थान पर खेती किया जाता है, यही होता है झूम खेती। फिर जब ये अनुपजाऊ हो जाते हैं मिट्टी यहाँ के, तो फिर दूसरे वृक्षों को काटा जाता है, जलाया जाता है, फिर वहाँ खेती किया जाता है। तो ये कंडीशन चलती रहती है, तो बहुत बड़े मात्रा में वनों का संहार हो रहा है। ठीक है, इस पर हमको फोकस करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। जो भारत का एक महत्वपूर्ण फसल नहीं है उसके बारे में बताना है, तो दोस्तों अंगूर। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अंगूर जो है भारत की ही फसल थी, क्योंकि पुराने समय में आर्ट एंड कल्चर में हमने कई जगह पे दोस्तों अंगूर के फसल का वर्णन देखा है। ठीक है, दीवालों पर अंगूर के फसल को दिखाया गया, जिससे पता चलता है कि अंगूर की खेती भारत की ही देन है। मतलब विश्व में अंगूर की खेती किसकी देन है? भारत की देन है। लेकिन फिर भी इस समय भारत जो है इसका उत्पादन नहीं कर पा रहा है। इसके उत्पादन में इस समय आगे कौन है? तो आपका चीन नंबर वन पे है, अमेरिका दूसरे नंबर पे है, और इटली तीसरे नंबर पे है। ठीक है, अमेरिका, चीन, इटली, ये सब जो अग्रणी देश हैं, भारत जो है इस पर फोकस नहीं हो पा रहा है और अंगूर जो है हो नहीं पा रहा है भारत में। ठीक है, जो सर्दी के मौसम के दौरान भारत के उत्तरी पश्चिमी भागों में वर्षा करता है, तो उत्तरी पश्चिमी जैसे बोला, तो पहले आप मैप बनाओ समझो, उत्तरी पश्चिमी मतलब क्या? ये वाला हिस्सा उत्तरी पश्चिमी, तो ये तो यार राजस्थान वाला एरिया है। ठीक है, राजस्थान और उधर पाकिस्तान घुसोगे तो सिंधुंद वाला, लाहौर वाला पूरा एरिया है। तो कह रहा है यहाँ पर वर्षा का कारण क्या है, किस मौसम में? ठंडी के टाइम में। तो ठंडी के टाइम में दोस्तों यहाँ वर्षा होती पश्चिमी गड़बड़ी की वजह से। पश्चिमी गड़बड़ी एक्चुअली कुछ नहीं होता है, वो ऐसे ही लिख दिया है। यहाँ पर पश्चिमी गड़बड़ी को समझा जाता है पश्चिमी विक्षोभ के नाम से। इसको क्या हम बोलते हैं? पश्चिमी विक्षोभ। इंग्लिश में बात करोगे तो इसको बोला जाता है दोस्तों वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। क्या बोला जाता है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ठीक है, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण ऐसा होता है। बात आती है यार कि ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता ही क्यों है, ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता ही क्यों है? तो मैं आपको बताऊं दोस्तों, हम बता रहे हैं आपको भूमध्य सागर, तो ये तो और भी पश्चिम में आप चले गए। हाँ, और भी पश्चिम में जा रहा हूँ। भूमध्य सागर की बात कर लूँ, वहाँ पे जो है कैस्पियन सागर की बात कर लूँ, ठीक है, अरल सागर की बात कर लूँ, तो इन सब सागरों से दोस्तों क्या करता है, यहाँ पर शीतोष्ण चक्रवात की उत्पत्ति होती है, और उसी की वजह से भारत में ठंडी के मौसम में, आप मान लो ठंडी में क्या वही जनवरी फरवरी का मौसम चलता है, तो इस समय वर्षा होती है। अभी इसी वर्ष हम लोगों ने ऐसा देखा था, और हम लोग बार बार पेपर में पढ़ रहे थे कि शीतोष्ण चक्रवात की वजह से ऐसा हो रहा है। तो ज्योग्राफी में जब हम लोग शीतोष्ण चक्रवात को कवर करेंगे, तब मैं आपको डिटेल में बताऊँगा पश्चिमी विक्षोभ के बारे में। आगे है दक्षिण पश्चिमी मानसून कितने प्रतिशत हद तक भारत में कुल वर्षा में योगदान देती है? दक्षिण पश्चिम, तुरंत मैप बनाओ, पहले मैप बना के समझो। दक्षिण पश्चिम माने क्या होता है? दक्षिण पश्चिम माने यहाँ, यानी अरब सागर से जो, ऐसे तुरंत समझा करो, ठीक है, अरब सागर से जो हवाएं उठती हैं, इससे भारत में कितने परसेंट वर्षा होती है? तो याद रखो दोस्तों, पूरी की पूरी वर्षा तो इसी की वजह से उठती है। बंगाल खाड़ी से जो हवा उठती है उससे बहुत कम उठती है, ठीक है ना, तो 80 से 90% वर्षा जो है इसी से होता है। ठीक है, 80 से 90%, कोई दिक्कत आपको? आगे देखिए, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम बताइए? तो ये उत्तरी अंडमान में स्थित है दोस्तों, सैडल पीक। सैडल पीक पर्वत का भी नाम है, उसकी सबसे ऊंची चोटी भी कौन सी है? सैडल पीक ही है। और इस पर्वत से दोस्तों एक नदी भी निकलती है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की एकमात्र नदी है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है कल्पोंग नदी। कौन सी नदी? कल्पोंग नदी। तो याद रखिएगा, सैडल पीक और कल्पोंग नदी याद रहेगा आपको। चलिए इसके बाद है दोस्तों, अच्छा, इसकी राजधानी कहाँ है अंडमान निकोबार की? पोर्ट ब्लेयर, याद रखिएगा। ठीक है, कहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है? तो याद रखें नीलगिरी पर्वत या नीलगिरी हिल्स। ठीक है, नीलगिरी पर्वत या नीलगिरी हिल्स। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोद्दा बेट्टा। लेकिन दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अन्नामलाई पर्वत की चोटी है, अलाई क्या नाम है उसका, अन्नामलाई पर्वत की अन्नाई मुड़ी। अन्नाई मुड़ी, कभी कभी दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है, याद ही नहीं आता यार। कभी कभी पढ़ाता हूँ ना तो ऐसा लगता है कि, क्योंकि पता बहुत सारे विषय मेरे दिमाग में घुस गए हैं और कुछ दिन में हैंग ना कर जाए मेरा दिमाग, मैं यही सोच रहा हूँ। ठीक है, अन्नाई मुड़ी याद रखिएगा।
वर्षा के पैटर्न के आधार पर भारत को कितने वर्षा क्षेत्रों में विभाजित किया गया, ये थोड़ा सा नया प्रश्न है दोस्तों। तो भारत को 62 क्षेत्रों में विभाजित किया गया। कितने क्षेत्रों में? 62 क्षेत्रों में विभाजित किया गया, याद रखेगा। अगर आप सांभर झील की यात्रा करना चाहते हैं तो आप किस राज्य में जाना होगा आपको? तो सांभर झील कहाँ पर दोस्तों? ये आपके राजस्थान में है, खारे पानी की झील है सांभर झील। और मैंने एक चीज़ और भी आज आपको पढ़ाया, मौसमी झील है। सांभर झील कैसी झील है? मौसमी झील है, ठीक है दोस्तों। मैं आपको आजकल NCERT पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो जो लोग नए बच्चे हैं मैं उनसे कहना चाहूँगा, प्लीज़ दोस्तों आपसे निवेदन है कि एक बार NCERT पढ़ लो, क्योंकि बिना NCERT के आप कमांड नहीं कर पाओगे विषय पे। तो क्लास 6th ज्योग्राफी, क्लास 7th की ज्योग्राफी, क्लास 8th की ज्योग्राफी समाप्त हो चुकी है, क्लास 9th की ज्योग्राफी चल रही है, चैप्टर नंबर 3 तक कवर हो चुका है, 3 चैप्टर और बचे हैं, क्लास 9th भी कवर हो जाएगा, फिर हम लोग क्लास 10th पे आ जाएंगे। और आपको विश्वास नहीं होगा, ये सब काम करने में हम लोगों को मात्र 20 दिन का समय लगा, 20-22 दिन में हम लोग यहाँ पहुँचे हैं, ठीक है। और मैं, मेरी एक आदत है, मैं NCERT को जब पढ़ाता हूँ ना तो पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ाता हूँ, मतलब पूरी की पूरी किताब पढ़ाता हूँ, एक लाइन छोड़ता नहीं हूँ, एक लाइन भी नहीं छोड़ता हूँ कि इसको छोड़ दिया या आप अपने से पढ़ लीजिएगा, ऐसा नहीं है। बाकी लोगों ने क्या किया, मतलब यूट्यूब पर ऐसे ऐसे महारथी हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उनको बुरा लगेगा, उन्होंने भाई साहब 4-4 घंटा में क्लास 6 की NCERT पढ़ा के ख़त्म कर दी। मुझे नहीं समझ में आता यार कि बच्चों का दिमाग घास चलने गया है या वो समझते नहीं है यार। क्लास 6 की किताब की बात करो, मैं किसकी बात करूँ, बुक, कैसे कोई व्यक्ति किसी बुक को 4 घंटे में पढ़ा के ख़त्म कर सकता है, कैसे? ये तो संभव ही नहीं है भाई। मैं भी पढ़ाया हूँ, जितने चैप्टर हैं मैं क्या करता हूँ, एक दिन में एक चैप्टर पढ़ाता हूँ, ठीक है। उसको पढ़ाने में, अब देखिए कोई छोटा चैप्टर होता है तो अब भाई वहाँ पे कम से कम 35-40 मिनट तो लगते ही लगते हैं, बड़ा चैप्टर है तो एक एक घंटे, सवा सवा घंटे लग जाते हैं। क्या है अगर आप ही बताओ, एक एक चैप्टर मैंने देखा हूँ, कोई चैप्टर जो है 8 पेज में लिखा है, कोई चैप्टर 10 पेज में लिखा गया, कोई 12 में, और कोई कोई चैप्टर तो 15-15 पेज में लिखे गए। अब दोस्तों बताओ कि जिस व्यक्ति को 8 पेज पढ़ाना हो, अगर हम 5 मिनट पर पेज की स्पीड बनाएं तो 5 × 40 मिनट तो हमको लगना ही है यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, अगर हम 15 पेज की स्थिति बनाएं तो इस 15 पेज में भी दोस्तों लास्ट के 2 पेज तो वो क्या करता है, क्वेश्चन आंसर दे देता है, तो 13 पेज तो बनना है। तो अगर आप 15 भी लेक्चर को तो 15×75, ठीक है, 15×75 मतलब 1 घंटा 15 मिनट का तो बनना है। तो मेरा वीडियो दोस्तों उसी आधार पर बनता है, पर पेज में 5 मिनट कम से कम टाइमिंग देता हूँ, और टाइमिंग देने मैं कोई देख के भी टाइम नहीं देता हूँ भाई, आपको समझाने से मतलब है, ठीक है, समझाने से मतलब है, तो वो मेरा फोकस वहीं पर रहता है। तो दोस्तों प्लीज़ आप NCERT को कवर करें, साथ ही साथ इकोनॉमिक्स की भी NCERT शुरू हो गई, तो जो विषय आपको नहीं आता है आपको फोकस वहाँ करना है, तभी आप जो एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर पाओगे यार, विश्वास करो। आपके इस तरह से पढ़ाई करने का कोई मतलब नहीं है, आज दुनिया स्मार्ट हो चुकी है और आपको स्मार्ट स्टडी की ज़रूरत है, हार्ड वर्क नहीं करना है, स्मार्ट वर्किंग करना है, स्मार्ट वर्किंग, ठीक है। और स्मार्ट वर्किंग कैसे करोगे, आप हमारे साथ ज्वाइन हो ना, Study91 के साथ ज्वाइन हो, आप यहाँ के मटेरियल किसी भी यूट्यूब चैनल से मिला लो, अगर आपको इस तरह का मटेरियल मिल जाए कहीं पे तो आप बता देना, या इस तरह से क्वेश्चन डिस्क्राइब करना मिल जाए तो बता देना, ठीक है। आप किसी भी चैनल की बात कर लो, पूरे यूट्यूब की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं किसी को चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं तरीका बता रहा हूँ कि वाकई में पढ़ने और पढ़ाने का तरीका क्या होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, जब मिट्टी के ऊपर परत पानी चलाकर एक बड़े छेद से निकाल दिया जाता है तो उसे क्या किया जाता है, तो उसको सीट कटाव बोलते हैं। सीट कटाव का मतलब होता है दोस्तों जल निकासी, आप अपनी भाषा में समझो जल निकासी, ठीक है, जल निकासी, ठीक है। तो याद रखो किसी नाली के माध्यम ऊपर नीचे से पानी जा रहा है, ऊपर से मिट्टी का वो छांट कर दिए तो उसको बोलते हैं, ठीक है। भारत में क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, वहाँ पे मिसप्रिंट था लिखा हुआ, तो उसको मत बताइए, सीट कटाव मीन्स जल निकासी, आप याद रखो। भारत में सकल फसल क्षेत्र का अनाज कितना परसेंट होता है, जैसे देखो भारत में क्या है भाई, फसल भी बोए जा रहे हैं, फूल भी बोए जा रहे हैं, कोई फूलों की खेती कर रहा है, कोई अनाज की खेती कर रहा है, कोई किसी चीज़ की खेती कर रहा है, तो अलग अलग है ना, तो कह रहा है इसमें फसलों का योगदान कितना है, तो 60-70% दोस्तों किसका योगदान है, फसलों का योगदान है 60-70%। जो फसल मानसून के सेट पर और सितंबर अक्टूबर में काटा जाता है वो उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम खरीफ की फसल बोलते हैं। नहीं समझ में आया आपको मतलब, अरे आपको पता ना 3 तरह की फसलें होती है, एक खरीफ की फसल, एक रबी की फसल, एक जायद की फसल, वही आपको समझा रहा है। कह रहा है कि आप जो है अगर सितंबर अक्टूबर में फसल को काट रहे हैं तो बताइए वो कौन सी फसल है, बस इतनी सी बात आप ध्यान दीजिए। तो अगर आप सितंबर अक्टूबर में काट रहे हैं इसका मतलब आप उसको जून जुलाई में बोए थे, अरे जून जुलाई में बोएंगे, ठीक है ना, तभी तो सितंबर अक्टूबर में काटेंगे, 3 महीने रहता है एक फसल का साइकिल, ठीक है। तो इस फसल को बोलते हैं दोस्तों खरीफ की फसल, क्या बोलते हैं, एक हाँ खरीफ की फसल, ठीक है, याद रखिए। अच्छा खरीफ की फसल में कौन कौन से आते हैं, खरीफ की फसल में कौन कौन से आते हैं, कौन कौन सी चीज़ आती हैं, तो उसको याद रखो आप, जैसे आपका मक्का हो गया, ठीक है,
जैसे आपका मक्का हो गया, जैसे आपका ज्वार हो गया, मक्का हो गया, ज्वार हो गया, ध्यान से सुनते जाओ, ज्वार हो गया, ठीक है, जैसे आपका बाजरा हो गया जो मोटी फसलें हैं, जैसे आपका मूंगफली हो गया, ठीक है, जैसे आपका गन्ना हो गया, ये सब जो है खरीफ की फसलें हैं। और इसके अलावा दोस्तों मैं आपसे बोलूँ रबी की फसल के बारे में, तो रबी के बारे में जान लो दोस्तों, रबी की फसल मार्च अप्रैल में काटी जाती है। बोई कब जाती है? इसी के बाद तुरंत अक्टूबर में कट गया, अक्टूबर नवंबर में बो दिया जाता है, पूरा ठंडी भर रहता है, और मार्च में इसकी कटैया चलती है, मार्च अप्रैल में, ठीक है, रबी की फसल काटा जाता है। उसमें क्या होता है, जैसे आलू है, जौ है, सरसों, चना, गेहूँ, ये सब कटाई होता है, ठीक है, तो याद रखो आप। चलो आगे देखते हैं, और जायद वाले में क्या है, रबी खरीफ तो हो गया, जायद, जायद में वही हमारा यार खरबूजा, तरबूजा, लौकी, ककड़ी, ककड़ी लौकी नहीं, ककड़ी हो गया, और आपका क्या बोलते हैं उसको, खीरा हो गया, ये सब होता है, ठीक है। जायद किस राज्य में, कौन सा राज्य मक्का के उत्पादन में आगे है, तो याद रखो पंजाब, पंजाब मक्का के उत्पादन भी आगे है, प्रति हेक्टेयर के दृष्टि से दोस्तों गेहूं के उत्पादन में भी आगे है। पूछता आपसे एग्जाम में कि प्रति हेक्टेयर की दृष्टि से गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है, तो पंजाब में। जो जोड़े भारत के सर्वोच्च शिखर, मतलब ये ऐसे पूछ रहा है, ये सिंपल से ये पूछ रहा है कि भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, ठीक है, कौन सा शिखर है, सर्वोच्च शिखर तो बताइए। तो दोस्तों यहाँ पे बड़ा आप ध्यान से सुनिएगा, देखो माउंट एवरेस्ट तो नेपाल में नहीं है, वो सबसे बड़ा शिखर जरूर हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर, ठीक है, लेकिन वो नेपाल में है, भारत में नहीं है, ठीक है, ये बात याद रखिए। अब भारत का पूछ रहा है दोस्तों, तो भारत में सबसे सर्वोच्च शिखर है K2 गाडविनाश्टिन, अगर आपके एग्ज़ाम में ऑप्शन बना हुआ है गाडविनाश्टिन का, तो आप इसी को उत्तर टिक करिएगा। हालांकि ये जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का हिस्सा है, जो POK है, वहाँ पर पड़ता है, ठीक है, और अंदर जाऊँ तो गिलगिट का नाम सुना आपने, गिलगिट बल्टिस्तान का, वहाँ पर K2 है, तो इस वजह से दोस्तों K2 को काउंट नहीं करता। हालांकि K2 की जो ऊंचाई है वो 8611 मीटर है, ठीक है, लेकिन हम लोग POK में होने की वजह से बहुत सारे लोग काउंट इसको नहीं करते हैं। तो काउंट किसको करते हैं, काउंट करते हैं कंचनजंगा को, हम मानते हैं कंचनजंगा हमारी सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन अगर ऑप्शन में K2 दिया है तो K2 ही मारिएगा, ठीक है, इसकी ऊंचाई 8586 मीटर है, ठीक है। कंचनजंगा कहाँ पर पड़ता है, तो आपके नेपाल और सिक्किम के बीच में, ठीक है, नेपाल और सिक्किम, तो याद रखिएगा। इसके बाद आपका तीसरे नंबर पे दोस्तों नंगा पर्वत है, नंगा पर्वत, नंगा, ठीक है, 8126 मीटर का है, जम्मू कश्मीर में है, और तब जाके आपका नंदा देवी पड़ता है लास्ट में, ठीक है, तो ये सब आप याद रखिए। चलिए अच्छा, कंचनजंगा किसको किसको जोड़ता है, तो ये चाइना और पाकिस्तान को जोड़ता है, चाइना और पाकिस्तान को जोड़ने का काम कौन करता है, कंचनजंगा, ठीक है, काराकोरम श्रेणी का हिस्सा है। कौन सा शहर पश्चिमी देशांतर में स्थित है, पश्चिमी देशांतर, जब भी बात करें पश्चिमी देशांतर की, तो आप याद रखना आपके क्वेश्चन में कोई भी ऐसा शहर जो सबसे पश्चिम दे रहा है वही आपका उत्तर होगा, तो आप यहाँ फिलहाल जयपुर दे रहा है, ठीक है, और भी उत्तर, और भी पश्चिम में जा सकते थे आप, जैसे क्या बोल सकते थे, जैसे आप बोल सकते थे क्या बोलते हैं अहमदाबाद बोल सकते थे, जैसे आप गांधीनगर बोल सकते थे, जैसे आप जैसलमेर बोल सकते थे, जितना भी पश्चिम में जाओगे उतना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, दो जो दादरा नगर हवेली संघ का राजधानी है वो कौन सी राजधानी है, तो आप याद रखें सिलवासा, दादरा और नगर हवेली की राजधानी कहाँ पर है, सिलवासा, ठीक है। कांचीपुरम किस राज्य में स्थित है, तो कांचीपुरम दोस्तों तमिलनाडु में स्थित है। कांचीपुरम को मंदिरों का शहर कहा जाता है, क्या कहा जाता है, पढ़ाया हूँ आपको, मंदिरों का शहर, मंदिरों का शहर, ठीक है, कांचीपुरम को कहा जाता है। और इसके अलावा दोस्तों कांचीपुरम की साड़ियाँ बहुत फेमस हैं, कांचीपुरम की रेशम की जो साड़ी है, रेशम की साड़ी बहुत फेमस है, ठीक है, वर्ल्ड वाइड फेमस है कांचीपुरम की रेशम की साड़ी। कांचीपुर में दोस्तों कैलाश मंदिर है जिसका निर्माण करवाया था पल्लव शासकों ने। देखिए कांचीपुरम की स्थापना में, उसको संरक्षण करने में पल्लव और चोल का बड़ा योगदान रहा है, पल्लव और चोल का, ठीक है। चोल शासक को पूरी तरह से समाप्त किसने किया, चोल शासन को, तो याद रखें मलिक काफूर ने समाप्त किया था, किसने, मलिक काफूर, ठीक है। मलिक काफूर कौन था, अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति, ठीक है। जलवायु के वर्गीकरण की थ्रोनवेट की योजना में क्या ई भारत के संदर्भ में क्या संकेत मिलता है, ठीक है, तो संकेत मिलता है दोस्तों शुष्क जलवायु का। अब ये क्या होता है दोस्तों, तो मैं आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ाऊंगा, फिलहाल शुष्क जलवायु के मामले में आप जो है जान रहे होंगे, समझ रहे होंगे, ठीक है, शुष्क जलवायु यहाँ पर याद रखिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, लेकिन अभी अगर इसका मैं डिस्क्राइब करूँगा तो आप थोड़ा सा मुश्किल में पड़ जाओगे, ठीक है, तो एडन क्लाइमेट बोलते हैं इसको। आगे देखिए, कौन सा क्षेत्र दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम में ज़्यादा वर्षा प्राप्त नहीं करता है, तो उस क्षेत्र का नाम है दोस्तों पूर्वी हिमालय। पूर्वी हिमालय में दक्षिण पश्चिम के मानसून के समय, दक्षिण पश्चिम मतलब तुरंत एक बना लो इमेज, ठीक है, दक्षिण पश्चिम मतलब यहाँ से बात कर रहा, बताओ यहाँ से जाएगा तो आपका हिमालय, पूर्वी हिमालय यहाँ पर जाते, पूर्वी हिमालय बहुत दूर पड़ जाता है ना, पूर्वी हिमालय मतलब वो सीधा बहुत एकदम लास्ट पूर्वोत्तर भारत की बात कर रहा है, तो वहाँ पर जो है नहीं पहुँच पाता है, बीच में वर्षा करके इसका पानी जो है ख़त्म हो जाता है,
ठीक है, तो याद करो कम वर्षा प्राप्त करता है, ज़्यादा वर्षा नहीं प्राप्त, मतलब कैसा नहीं कि वर्षा होता ही नहीं, कम प्राप्त करता है। भाई अब उठा है तमिलनाडु से जाना है असम सिक्किम के आगे जाना है, तो वहाँ कहाँ कितना जाके वर्षा कर पाएगा, आप ही सोच लो ना। किस राज्य, कौन सा राज्य उत्तर पूर्व मानसून से वर्षा प्राप्त करता है, तो उत्तर पूर्व ऐसे बनाओ तुरंत, उत्तर पूर्व चेक करो कहाँ पर, उत्तर पूर्व मतलब ये उत्तर पूर्व ये है, ठीक है उत्तर पूर्व, तो यहाँ से उत्तर पूर्व मानसून से वर्षा प्राप्त करता है तमिलनाडु, ठीक है। लौटती हुई मानसून से वर्षा इसको बोलते हैं, लौटती हुई मानसून से वर्षा भी बोलते हैं इसको। कौन सा भारतीय मानसून पर प्रभाव के प्रतिकूल पैदा करता है, मतलब ये बोल रहा है कि कौन सा मानसून ऐसा है जो भारतीय जलवायु पर प्रतिकूल प्रभाव पैदा करता है, ठीक है प्रतिकूल प्रभाव, तो अलनीनो जो दोस्तों ये प्रतिकूल प्रभाव पैदा करता है। तो अलनीनो होता क्या है, तो आप पहले ध्यान से सुनो अलनीनो क्या होता है। देखो उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र होता है, नाम सुना ना, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जो प्रशांत महासागर का क्षेत्र आता है, देखो हर भाई उष्णकटिबंध है तो ऐसा तो नहीं ना केवल महाद्वीपों पे लागू होगा, भाई जो महासागर उस पे भी उपेटी होगी ना उष्णकटिबंध की, करा उष्णकटिबंधीय प्रशांत के भूमध्य सागरी क्षेत्र के समुद्र के तापमान में जो अचानक से परिवर्तन होता है, जो अचानक से बदलाव देखा जाता है, वो ही अलनीनो कहलाता है। अभी नहीं समझ में आया होगा, चलिए और अच्छे से लेके चलता हूँ। मैं बात करता हूँ, प्रैक्टिकल नॉलेज देता हूँ आपको, मैं बात करता हूँ दोस्तों दक्षिण अमेरिका की, ठीक है। दक्षिण अमेरिका में जो देश हैं, एक देश का नाम है इक्वाडोर, नाम सुना आपने इक्वाडोर, और एक देश है दोस्तों पेरू, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों इस तरह के मानसून का सामना करना पड़ता, जो अलनीनो है इसका सामना करना पड़ता। होता क्या है दोस्तों कि देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये इक्वेडोर और पेरू के पास दोस्तों ठंडी जलधारा बहती है, कौन सी जलधारा बहती है ठंडी, जबकि अलनीनो एक तरह की गर्म जलधारा है। अब मैंने बताया था जहाँ पर ठंडी और गर्म जलधारा का मिलन स्थल होता है वहाँ पर मत्स्य पालन के लिए बहुत अच्छी कंडीशन होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, प्लस धुंध और कोहरा ये बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाता है, ये सब मैं आपको पढ़ाया था, तो वहाँ पे अलनीनो होता है। लेकिन यही अलनीनो भारत में दोस्तों प्रतिकूल प्रभाव पैदा करता है, भारत के लिए सही स्थिति पैदा नहीं करता है, ठीक है। तो याद रखिए भारतीय मौसम के लिए यह दिक्कतदार है, मैं आपको पढ़ाऊंगा ज्योग्राफी में आगे। किस जिले में पूर्वी घाट का उच्चतम बिंदु स्थित है, तो विशाखापट्टनम स्थित है दोस्तों। फिलहाल तो इसकी सबसे ऊंची चोटी मुझे जो पता है वो क्या है यार, क्या नाम है उसका, महेंद्रगिरी पर्वत ये ना, एक बार आप लोग देख लीजिएगा, महेंद्रगिरी पर्वत इसका सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है तो याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, भारत के राज्यों एक देश में सबसे पुरानी रॉक संरचनाओं के से कौन बना है, करा देश में सबसे पुरानी जो है रॉक संरचना कौन सी है, ठीक है। तो एक तो आपकी अरावली थी वो तो आप जान ही रहो, इसके अलावा कर्नाटक में दोस्तों सबसे पुरानी रॉक संरचना पाई जाती है। हिमालय समानांतर गुना पर्वतमाला के गठन कर रहे हैं जो सबसे पुराना सीमा है। दोस्तों ये जो मैंने सीट उठाया हूँ ना, इसमें क्वेश्चन तो ठीक ठाक दिए हैं, लेकिन मैं खुद जब इसको देख रहा था ना मुझे लगा यार क्या क्वेश्चन है। अभी क्या मैं आपको बताऊँ हकीकत, मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं क्वेश्चन लिखूँ, ठीक है। तो मैं आपको जल्दीबाजी में पढ़ाने के लिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम निकट है, इसलिए मैं दूसरी जगह से क्वेश्चन को मैं उठा लेता हूँ, ठीक है। बहुत सारे नेट पे क्वेश्चन अवेलेबल हैं तो मैं उनको ले लेता हूँ, क्योंकि मेरा मुद्दा होता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाऊँ, और आप ज़्यादा से ज़्यादा सुनने पे भरोसा रखो। देखो आप जितना ज़्यादा सुन के याद कर सकते हो ना, कापी उपी पे नहीं यार, कैसा कापी, कापी में कौन नोट करता है, बस कापी में नहीं नोट करना है, ठीक है। जहाँ एनसीईआरटी आप जो पढ़ते हो वो सब आप कॉपी में नोट किया करो, ये जो क्वेश्चन आंसर सीरीज चलती है इसको खाली देखा करो और देख कर रट्टा मार लिया करो, याद हो जाता है। इतने बार मैं बोलूँगा ना आज नहीं याद होगा, फिर ये क्वेश्चन आएगा, तो मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ ना, आप डिस्क्राइब इसीलिए करता हूँ कि आप समझ जाओ, दूसरा आदमी होता तो ऐसे पढ़ता। हिमालय समानांतर गुना पर्वतमाला के गठन कर रहे हैं जो सबसे पुराना सीमा है उत्तर ग्रेट हिमालय रेंज। अगला प्रश्न, कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबे समय तक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, उत्तर बांग्लादेश। ऐसे पढ़ाई होती है पागलों जैसा। सुनो यहाँ पे, अभी मैंने आपको ज्योग्राफी कवर कर रहे थे तो मैंने आपको बताया कि हिमालय जो दोस्तों सबसे ऊपर जो है ट्रांस हिमालय, जिसको हम लोग महान हिमालय बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद मध्य हिमालय, बताया था ना मध्य हिमालय, उसके बाद कौन सा हिमालय दोस्तों, उसके बाद आपका शिवालिक हिमालय है। यहाँ पे मैंने बताया इसके और इसके बीच की दूरी 450 किलोमीटर है, जबकि पूर्वोत्तर भारत में पतला हो गया मात्र 150 किलोमीटर है, सब बताया था ना आपको। तो याद रखो ये कितने क्षेत्र में, 1, 2, 3, तो कितने क्षेत्र में फैला हुआ है ये ग्रेट हिमालय रेंज, कितने क्षेत्र में है, 3 क्षेत्रों में फैलेगा, आगे ये भी क्वेश्चन है। और जो सबसे अच्छा पर्वत जो इसके समानांतर है और सबसे बड़ा है वो ग्रेट हिमालय रेंज, ठीक है। कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबे समय तक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, अरे लंबे समय तक क्या, जब तक रहेगा तब तक सीमा बनाएगा, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो सबसे लंबी हो बांग्लादेश के साथ है, किसके साथ है, बांग्लादेश, ठीक है।
भारत विश्व का सातवां सबसे बड़ा देश है और कितना क्षेत्रफल में कवर करता है, तो 32 लाख से अधिक है, ठीक है ना, 32 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल कवर करता है। और अगर आपसे यही मैं पूछ दूं कि सातवें नंबर पे ये है, तो छठवें नंबर और पाँचवें नंबर पे कौन, तो पहला याद करो, पहले रूस है, फिर आपका कनाडा है, फिर आपका अमेरिका है। रूस, कनाडा, अमेरिका, ये तीन हो गए। फिर आपका आ गया चाइना आ गया, फिर आपका ब्राज़ील आ गया, ठीक है, उसके बाद कौन सा आ गया, उसके बाद आपका ऑस्ट्रेलिया आ गया, तब जाके सातवें नंबर पे क्या है, इंडिया है, ठीक है। तो सातवें नंबर पे भारत है, याद रखोगे, याद रखना। कैसे भारत के ज़्यादा प्रतिशत भूमि के क्षेत्र मैदानी इलाकों से कवर किए जाते हैं, कह रहा है कि बताइए कि मैदानी इलाकों के जो क्षेत्र हैं वो कितने परसेंट है, तो 43.3%, ठीक है, 43.3%। किस राज्य में बंजर भूमि के तहत सबसे बड़ा क्षेत्र शामिल है, तो सबसे ज़्यादा बंजर भूमि कहाँ है दोस्तों, जम्मू कश्मीर में। इसीलिए आप देखते हो जम्मू कश्मीर में खेती सुना है, अरे पहाड़ी है तो बंजर है ना है। सेंटेक्सियल तुला, ये बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, सेंटेक्सियल तुला की सीमा विशेषता क्या है, सेंटेक्सियल तुला होता क्या है, नहीं समझ में आ रहा है, लग रहा है क्वेश्चन गलत है ना, लेकिन गलत नहीं है। ये जब क्वेश्चन मेरे सामने आया तो मैं भाई पहली बार ये क्वेश्चन सुना था, सेंटेक्सियल तुला। तो मैंने जब इसके बारे में सर्च किया नेट पे, तो मुझे पता चला सेंटेक्सियल तुला का अर्थ होता है तीखा मोड़, लेकिन फिर भी मेरे दिमाग में वो बातें नहीं बनी। फिर जब मैं इसके बारे में पढ़ना शुरू किया तो मुझे पता चला दोस्तों इसको हेयर पिन भी बोला जाता है, हेयर पिन टर्न भी बोला जाता है, हेयर पिन टर्न। तो एक्चुअली में होता क्या है दोस्तों, और डिटेल से जब गया तो मुझे पता चला कि ये जम्मू कश्मीर से हिमालय आ रहा है, ऐसे ऐसे होता हुआ आता है, और मैंने आपको बताया था अरुणाचल के पास ये थोड़ा सा मुड़ जाता है, ठीक है, अरुणाचल से आगे जाओगे म्यांमार के पास थोड़ा सा मुड़ जाता है, ठीक है। तो ये जो तीखा मोड़ बनाता है यही क्या है, यही आपका सेंटेक्सियल तुला है, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, हिमालय, हिमालय का एक काम है, ठीक है, सेंटेक्सियल तुला का सबसे बड़ा उदाहरण है, ठीक है। तो याद रखिए पर्वतों का एक बैग जो है मोड़ लिया जाना, वही तीखा मोड़ बनाना, वही क्या कहलाता है, सिंटेक्सियल तुला, ठीक है। कौन सा शहर सूर्य के कीड़ों के सामने कभी खड़ा नहीं मिलेगा, मतलब, तो मतलब दोस्तों आप एक बात याद रखो, हमेशा याद रखो, आपको पता होगा दक्षिण भारत की तरफ, ठीक है, जब जैसे सूरज यहाँ कर्क रेखा पर है, तो कर्क रेखा से लेके ज़्यादा से ज़्यादा सूरज कहाँ रहता है, मैक्सिमम उत्तरायण होगा तो कहाँ तक जाएगा, कर्क तक, और अधिकतम दक्षिणायन होगा तो कहाँ तक जाएगा, मकर तक। तो कर्क तक ही उसकी रेखाएँ सीधी पड़ेंगी। अगर जम्मू कश्मीर की बात करोगे तो जम्मू कश्मीर में कभी भी सूर्य की सीधी रेखाएं नहीं पड़ेंगी, हमेशा तिरछी रेखाएं पड़ेंगी दोस्तों। इस कर्क रेखा जो गुजर रहा है हमारे भारत से, ठीक है, इसके ऊपर जितने भी देश हैं, आप नेपाल की बात कर लो, आप भूटान की बात कर लो, चाइना की बात कर लो, रसिया की बात कर लो, जापान की बात कर लो, ठीक है, आप अरब कंट्री जहाँ से भी कर्क रेखा गुजर रही उसके ऊपर के जो अरब कंट्री हैं, ठीक है, उनकी बात कर लो, आप बात कर लो यूरोप की, कहीं भी सूर्य की जो किरणें हैं वो सीधी नहीं पड़ती हैं, सूर्य की किरणें कहीं भी सीधी नहीं पड़ती हैं। कहाँ सीधी पड़ेंगी, तो याद रखो सूर्य की किरणें जो सीधी पड़ती हों कहाँ से कहाँ तक, वो 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा है वहाँ से लेकर के 23.5 डिग्री मकर, इसी के बीच में सूर्य की किरणें सिर्फ सीधी पड़ती हैं, इसके अलावा कहीं भी सीधी नहीं पड़ेंगी, याद रखो, ठीक है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, श्रीनगर। तो श्रीनगर में कभी भी, श्रीनगर छोड़ो दोस्तों, आप दिल्ली में कभी भी खड़ी मतलब सूर्य की रेखाएं सीधे नहीं पड़ सकती, ठीक है, दिल्ली में, क्योंकि वो कर्क रेखा से ऊपर है। हालांकि क्या है ना, कर्क रेखा से हमारे बहुत पास से गुजरा है, इसलिए हमें एहसास होता है कि हमारे सूर्य हमारे सर पर, जबकि ऐसा है नहीं, धीरे धीरे तिरछी है, ठीक है। अभी मैं आपसे पूछूं यार, अब जैसे 23.5 डिग्री ये रेखा है, आप, मैं जान रहा हूँ आप कन्फ्यूज हो रहे हो, ठीक है, 23.5 डिग्री रेखा है, ठीक है, और यहाँ पर सूर्य है, तो अब यहाँ पे सूर्य एकदम सीधा प्रकाश दे रहा है, तो दोस्तों अगर 24 डिग्री पे आप सोचोगे तो क्या इतना बड़ा सूर्य है, तो आदमी समझ पाएगा कि सूर्य हमारे सीधे नहीं है। तो आप जितना ऊपर जाओगे तब आपको समझ में आएगा कि हाँ सूर्य जो है वो तिरछा दिख रहा है हमें, मतलब सूर्य की जो किरणें हैं वो तिरछी दिख रही हैं हमें, ठीक है, याद रखिए। आगे है क्षेत्रफल के मामले में भारत दुनिया में कौन से स्थान पर, तो सातवें स्थान पर मैं बता दिया आपको। काराकोरम राजमार्ग किन दो देशों को जोड़ता है, तो चीन पाकिस्तान को, ये भी मैं बता दिया, यहीं पर गाडविनास्टीन यानी K2 था। भारत के तट रेखा की अनुमानित लंबाई क्या है, ये 6000 किलोमीटर नहीं दोस्तों, ये तो खाली स्थली खाली मतलब भारत में ले सकते हैं, जब अंडमान और मालदीव को भी शामिल करते हैं, तो इसकी जो लंबाई बनती है वो 7516 किलोमीटर है। तट की लंबाई क्या है, 7516, समुद्री सीमा की लंबाई, ठीक है, और अगर स्थली सीमा की बात करें तो 15200, 6000 भी आप मान सकते हो, लगभग 6000 बोल सकते हो, कब, जब खाली भारत के तटों की बात करो, मतलब उसमें अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप वगैरह शामिल नहीं होगा तब। आगे बता रहा है भारतीय संघ शासित प्रदेशों में सबसे बड़े आकार का कौन सा है, तो पांडिचेरी, पांडिचेरी जो है सबसे बड़े आकार का है, ठीक है। जो पूर्व से भारत के पश्चिम में जा रहा है उसका स्थान का सही क्रम क्या है, तो जोरहाट, भोपाल, अहमदाबाद, राजकोट, नहीं समझ में आया होगा, ये कह रहा है पूर्व से पश्चिम सेट करना है, तो पूर्व किधर है, इधर है,
पश्चिम किधर है, इधर है, हमको सेट करना है। बताऊँ दोस्तों, जोरहाट, जोरहाट कहाँ पड़ता है? जब ये नहीं पता होगा तो कहाँ सेट करोगे? जोरहाट असम में पड़ता है। कहाँ पर? असम में। भोपाल कहाँ पड़ता है? तो ये आपके मध्य प्रदेश में पड़ता है। अहमदाबाद कहाँ पड़ता है? तो ये आपके गुजरात में पड़ता है। अहमदाबाद और उसके बाद लास्ट में राजकोट पड़ता है। लोकेशन यही आपको सेट करना था। तो जोरहाट, फिर आपका भोपाल, फिर आपका अहमदाबाद। अगर यहीं बीच में एक ऑप्शन देता जबलपुर, तो जोरहाट के बीच में जबलपुर खुस जाता, क्योंकि भोपाल तब बाद में आता, जबलपुर पहले आता। ठीक है, ये सारा आप याद रखो। आगे देखो, यहाँ पे हिमालयन लगभग कितने किलोमीटर व्यापक क्षेत्र में फैला हुआ है, तो इसके लिए आपको बताना पड़ेगा। देखो, इधर की बात करेंगे, ठीक है, पश्चिमी साइड में बात करेंगे तो वहाँ हिमालय चौड़ा है, तो वहाँ पे 400 किलोमीटर। पूर्वी हिस्से की बात करेंगे तो यहाँ पे 150 किलोमीटर। ठीक है, मैंने आपसे पहले बताया कि यहाँ पे क्वेश्चन बड़े अजीब फॉर्मेट में लिखे हैं, तो क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा फोकस मत करिए, जो मैं उत्तर बता रहा हूँ उस पर फोकस करिए। भारत के कितने द्वीपों, जो द्वीप हैं जो बंगाल की खाड़ी में स्थित हैं? 204 क्या दोस्तों? स्टार्टिंग में तो 250 से अधिक द्वीप थे, अभी भी 250 से अधिक द्वीप जो है यहाँ पर स्थित हैं। तो बहुत सारे द्वीप हैं, उनकी काउंटिंग जैसे जैसे खोज होता है, जैसे जैसे पता चल जाता है। कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे द्वीप डूब भी गए हैं, ठीक है, तो वो संख्या घटती बढ़ती रहती है। हिमालय उत्तर से दक्षिण तक कितने मुख्य समानांतर पर्वतमाला से मिलकर बना है? तो 3, वही ट्रांस हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। ठीक है, भूमि का कितना प्रतिशत भारत के क्षेत्रों में पहाड़ों से कवर किया जाता है? ठीक है, तो ये आपको बताना है, तो याद रखो 10.7%। ठीक है, आगे है शुष्क भारत की, जो राजस्थान के झूठ क्षेत्रों में, झूठ क्षेत्र कुछ नहीं, ये सब गलत प्रश्न दिया है। ठीक है, तो मैं आपको इसके बारे में बताऊं दोस्तों, ये बात कर रहा है शुष्क क्षेत्र की, कह रहा है राजस्थान में, उस क्षेत्र का नाम बताइए जहाँ पर 1 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है, तो उस क्षेत्र का नाम है दोस्तों जैसलमेर। ठीक है, जैसलमेर में ऐसा नहीं कि 1 सेंटीमीटर, 1 से लेकर 5 सेंटीमीटर तक, 0 से लेकर 5 सेंटीमीटर तक की वर्षा होती है। तो पूछ रहा है कि कहाँ पर सबसे कम होता है, तो जैसलमेर। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, और उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा ये सीरीज। क्वेश्चन थोड़े से अटपटे जरूर थे, आगे से मैं ख्याल रखूँगा कि इस तरह के प्रश्न आपके सामने ना आए, कम से कम जो प्रश्न हो वो बिल्कुल सही हो, सही ढंग से लिखे भी हों। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिएगा, और आप अच्छे से पढ़ाई करो, यही मेरी तमन्ना है। ठीक है, बाकी दोस्तों, अगर आप लोग एग्ज़ाम ट्रेंड को नहीं देख रहे हो तो एग्ज़ाम ट्रेंड को देखो, क्योंकि आजकल एग्ज़ाम ट्रेंड तहलका मचाने वाला है दोस्तों। यहाँ पर हम लोग लाए हैं गवर्नमेंट स्कीम को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, गवर्नमेंट स्कीम दोस्तों, बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट स्कीम है जो आप नहीं जानते हो, तो आप जान जाओ, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में गवर्नमेंट स्कीम से बहुत सारे प्रश्न बनने वाले हैं इस बार, जो भी एग्ज़ाम होगा। ठीक है, कन्फर्म बनेगा, क्योंकि मोदी सामने क्या है ना, देखो 2019 में है इलेक्शन। ठीक है, बात को समझो, 2019 में है इलेक्शन, और सरकार चाहती है कि लोगों तक हम जो काम कर रहे हैं वो काम पहुंचे, तो इसको पहुंचाने का सबसे बड़ा जो रास्ता है वो क्या है कि क्वेश्चन पेपर में भी वो इस तरह के 1-2 प्रश्न डालेगी ही डालेगी। ठीक है, तो सरकार का भी भाई योगदान होता है। ठीक है, वैकेंसी पे क्या सरकार का योगदान नहीं है? तो कहीं ना कहीं दोस्तों, आप पीसीएस की बात करो या फिर किसी भी स्टेट पीसीएस की बात करो, तो हम गवर्नमेंट स्कीम, ऐसा नहीं कि खाली यूपी गवर्नमेंट की स्कीम पढ़ा रहे हैं, हम भारत सरकार की स्कीम पढ़ा रहे हैं। तो आप एक बार विजिट करिए, उसको पढ़िए, वहाँ पर दोस्तों हम लोग बजट के बारे में भी चर्चा करने वाले हैं, और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जो जो टॉपिक है वो सब पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो एक बार विजिट करिए, उसकी पढ़ाई करिए। बाकी 4G मैथ चैनल से आप वाकिफ ही होंगे, यहाँ पर मैथ और रीजनिंग पढ़ाया जाता है, तो इस यहाँ पे आके आप जो मैथ रीजनिंग अच्छे से कवर कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, और कल हम लोग जलवायु के मैटर पे बात करेंगे और अच्छे से उस टॉपिक को कवर करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच।